Hi, this is Aditi Rana, and today we are starting class 7th science chapter 3 fiber to fabric. So let's begin. Fiber means रेशे होते हैं, उनसे हम yarn बनाते हैं यानी कि धागे बनाते हैं, और फिर उन धागों से हम क्या करते हैं, fabric यानी कि कपड़े के बड़े बड़े थान बनाते हैं जिनसे हमारी मदर कट करवा लेती है अपनी मर्जी से कि 2 मीटर ये वाला कपड़ा, 3 मीटर ये वाला कपड़ा, इस तरीके से वो कट करवाती है और उसके बाद उनसे कपड़े बनाए जाते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स फाइबर्स के बारे में. सो बिगिन करते हैं. वूल. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर फाइबर्स ऑफ दीज एनिमल्स कॉल्ड फ्लीस. भेड़, बकरी और याक जैसे कुछ जानवर होते हैं, उनका शरीर बालों से ढका हुआ होता है और उन्हीं से हम ऊन को प्राप्त करते हैं. तो यहाँ पे जो फ्लीस वर्ड है जो कि चैप्टर में बार बार यूज़ किया है, उसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है हेयर्स, बाल. Why do these animals have thick coats of hairs? क्या आप जानते हैं कि इन जानवरों के ऊपर बालों की एक मोटी सी परत क्यों होती है? Hair traps lot of air. क्योंकि बालों के बीच में बहुत सारी हवा भर जाती है. Air is a poor conductor of heat. और जैसा कि आप जानते हैं कि air poor conductor of heat का, यानी कि air से heat इधर से उधर transmit नहीं होती. For example लेते हैं, metals जो होते हैं वो आपके good conductor of heat होते हैं. यानी कि अगर आप नीचे से हीट सप्लाई करोगे तो जो इसका हैंडल है स्टील का, वहाँ तक धीरे 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 आपकी हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी. लेकिन ऐसा हवा के साथ नहीं है. हवा क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का. इसलिए जो इनके बहुत सारे हेयर्स होते हैं इन जानवरों के, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, हवा फंस जाती है, भर जाती है, और हवा जो है वो हीट को पुअर कंडक्टर है इसलिए बाहर जाने नहीं देती है. So it keep these animals warm and wool is derived from these hair fiber. इससे क्या होता है, क्योंकि हवा भर गई है इनके बालों की मोटी सी लेयर में, इससे जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पा रही है, जो हीट है वो बाहर नहीं जा पा रही है. इससे ये जानवर है ना सर्दी में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ज़िंदा रह पाते हैं. और जो हम वूल लेते हैं वो इन्हीं जानवरों से लेते हैं ताकि हम भी सर्दी में अच्छे से सर्वाइव कर सकें. अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और इसीलिए इन रोएदार रेशों से हम ऊन को बनाते हैं. द स्किन ऑफ द शीप इज हेयरी, हैविंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स फॉर्मिंग इट्स फ्लीस. देखिए, सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं. अगर आपने अपने शरीर को देखा होगा तो जो आपकी बाजू पे बाल हैं, जो आपके हाथों पे बाल हैं और आपके सिर पे बाल हैं, वो डिफरेंट तरीके के हैं, है ना. कुछ बाल मोटे हैं तो कुछ रूखे हैं, अलग अलग टाइप के हैं, कुछ मुलायम हैं. तो शरीर पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जो हेयर हैं वो थोड़े डिफरेंट है, कुछ मोटे हैं, रूखे हैं, कुछ बहुत ही मुलायम हैं. सेम तरीके से जो भेड़ होती है उसकी भी त्वचा पे 2 प्रकार के बाल होते हैं या रेशे होते हैं. फर्स्ट इज़ द कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं. द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और दूसरे प्रकार के जो बाल होते हैं ना वो उसके त्वचा के निकट होते हैं, जो बहुत ही मतलब अंडर स्किन हेयर होते हैं वो बहुत ही मुलायम से होते हैं. इनसे ही हम ऊन बनाते हैं. देखिए, गुड क्वालिटी की वूल बनानी है तो आप क्या करोगे, फ्लीस यूज़ करोगे, जो अंदर के सॉफ्ट बाल हैं भेड़ के, है ना, उसकी त्वचा के पास के सॉफ्ट वाल है उन्हें यूज़ करोगे. लेकिन आपको ख़राब क्वालिटी की वूल बनानी है, सस्ती बनानी है, तो आप क्या करोगे, उसके दाढ़ी के जो रूखे बाल है, कोर्स बियर्ड है, उनसे वूल बनाओगे. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. कुछ भेड़ों की नस्लें ऐसी होती हैं जिनके सिर्फ मुलायम ही बाल होते हैं. तो इन नस्लों को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, फर्स्टली सी दिस इमेज. आपको ये भेड़ दिखाई दे रही है तो इसमें पहली बात तो इसका जो हेयर है उसकी क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ है. दूसरी बात, जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, मात्रा में बहुत ज़्यादा बाल हैं. तो अगर हमें इस तरह की नस्ल चाहिए भेड़ों की जहाँ के बाल भी मुलायम हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, मात्रा भी ज़्यादा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग. इस प्रोसेस में क्या होता है, हम अच्छी नस्ल के माता पिता को चुनते हैं ताकि उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी उनमें खूबियाँ हैं, वही सब उनके बच्चों में भी आ जाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ऐसे भेड़ मदर चूज़ करी जिसके बाल हैं वो बहुत मुलायम है, और एक ऐसी फादर भेड़ यूज़ करी जिसके हेयर्स बहुत ज़्यादा है. तो अब जब इनकी मैटिंग होगी, जब इनकी बेबी होगा, तो उसमें ये दोनों क्वालिटी आ जाएंगे, उसके बाल मुलायम भी होंगे और उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी होगी. तो इसी को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जहाँ पे हम माता पिता को चुनते हैं ताकि उनकी सारी क्वालिटीज़ उनके बच्चों में आ जाएं.
एनिमल्स दैट यील्ड वूल, अब हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, याक वूल तिब्बत एंड लद्दाख, भेड़ों की ही ऊन एकमात्र स्रोत नहीं है, बाकी भी जगहें जहाँ से हमें ऊन मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तिब्बत की और लद्दाख की तो वहाँ पे याक से मिलने वाली ऊन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। वहीं हम बात करते हैं मेहर इज ऑप्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट इन जम्मू एंड कश्मीर, बकरी के बालों से भी जो ऊन प्राप्त की जाती है, फॉर एग्जांपल अंगोरा ऊन जो है वो अंगोरा नस्ल की बकरी से मिलती है जो जम्मू व कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सॉफ्ट अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट वूवन इन टू कश्मीना शॉल, इससे क्या होता है ये जो आपकी अंगोरा गोट है इनसे सबसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। फर ऑन कैमल यूज्ड एज वूल, लामा एंड अल्पेका साउथ अमेरिका, ऊंट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। अगर आप दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो वहां आपको पता पड़ेगा कि लामा और अल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोटो सी, अंगोरा गोट है जिससे जो हमें ऊन मिलती है उससे हम पश्मीना शॉल बनाते हैं, देन यहाँ पे कश्मीरी गोट है, देन यहाँ पे याक है जो लद्दाख और तिब्बत में यूज़ होती है जिसकी वूल, देन यहाँ पे आपको कैमल भी दिखाई दे रहा है जो कि अभी हमने पढ़ा था दक्षिण अमेरिका में यूज़ होता है वूल के लिए, और यहाँ पे बाकी सोर्सेज भी दिखाई गई हैं। नेक्स्ट दिस इज़ द टेबल ऑफ सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, यहाँ पे टेबल दिए हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में, जहाँ पे आपको नेम दिए हैं ब्रीड्स के, उन किस तरह की क्वालिटी की वूल देती हैं वो भी बताया है और किस स्टेट में मिलती हैं वो भी बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें लोही की तो अच्छी क्वालिटी की वूल इससे मिलती है और ये राजस्थान पंजाब में मिलती है। वहीं बात करें रामपुर बुशायर की तो यहाँ से हमें ब्राउन कलर की फ्लीस मिलती है जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट इज नली, यहाँ पे हमें कारपेट वूल मिलती है यानी कि बहुत ही रफ और रूखे बाल होते होंगे जिनसे कारपेट बनाया जाता होगा शायद, तो ये राजस्थान हरियाणा और पंजाब में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाखरवाल, यहाँ पे जो वूल मिलती है उससे शॉल बनाई जाती है और ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। नेक्स्ट इज मारवाड़ी, कोर्स वूल मिलती है यानी कि मोटी ऊन मिलती है, ये गुजरात में मिलती है। एंड द लास्ट वन इज पाटनवाड़ी, ये हौजरी के काम के लिए यूज़ होती है और ये भी गुजरात में मिलती है। नेक्स्ट इज रेयरिंग एंड ब्रीडिंग, अब हम बात करेंगे कि रेयरिंग जो ये होते हैं भेड़ बकरियां जिनसे हमें ऊन मिलती है, हम उनका पालन पोषण किस तरीके से करें, एंड ब्रीडिंग उनका प्रजनन किस तरीके से कराया जाता है। तो फर्स्ट इज फीडिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट है फीडिंग, प्रोवाइडिंग अ डाइट विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर बेटर हेयर क्वालिटी, हमें सबसे पहले जिस भी जानवर को हम रख रहे हैं ऊन के लिए सबसे पहले हमें उसे अच्छा खाना देना है डेली बेसिस पे, प्रॉपर टाइम पे उसे खाना दीजिए और अच्छी क्वालिटी का दीजिए, बदल बदल के दीजिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुँचे और उसकी जो बालों की क्वालिटी है वो अच्छी हो। क्योंकि देखिए अगर आप खुद अच्छा खाना नहीं खाते तो आपने देखा होगा कि आपके हेयर्स कैसे डल हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, वाइट हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी के हेयर्स चाहिए ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा सकें तो आपको उन्हें अच्छा खाना देना है यानी कि फीडिंग उनका प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट इज शेल्टर, ऐसा शेल्टर ऐसे रहने की जगह हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, यहाँ की हवा आ जा रही हो, हवादार जगह हो, खुली जगह हो, वहाँ पे प्रॉपर स्पेस हो, ऐसे नहीं है कि बहुत कम जगह में बहुत सारी भेड़ बकरियाँ रख दी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट इज़ हेल्थ, जो इन्वायरमेंट हो वो हेल्थी हो, ये नहीं है कि बीमार रहें भेड़ें उन्हें भी साथ में रखा है, जो हेल्दी है उन्हें भी साथ रखा है, ऐसे में दोनों ही अफेक्ट होंगी और बीमार पड़ जाएंगी। तो एक हेल्दी सा इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लीन रखिए उस जगह को, साफ़ सफाई करते रहिए नियमित, और उनका शेल्टर हो वहाँ पे हवादार हो और खुली जगह भी हो ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। जितना अच्छे से आप रखोगे उतने अच्छे उनके हेयर ग्रो होंगे। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब हम देखेंगे कि रेशों से ऊन तक का सफ़र कैसे तय होता है, क्या क्या प्रोसेसेस यहाँ पे होती हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर इनटू वूल फॉलोज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, देखिए रेशों से ऊन बनाने में बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं जिन्हें हम एक करके पढ़ेंगे। सो दीज आर द प्रोसेसेस, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग, स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग। अब इन्हें वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज शेयरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम इट्स बॉडी अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन, भेड़ के बालों को त्वचा की एक पतली सी परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। देखिए यहाँ पे हम बालों को अकेला अगर उतारते तो वो क्या होते, कटे हुए बाल आपस में मिक्सअप हो जाते और फिर उन्हें कोई
अच्छी तरह से नहीं स्ट्रेटन कर सकता था, उन्हें यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए हम क्या करते हैं खाल की हल्की सी परत भी निकाल लेते हैं ताकि ये बाल अटैच रहें, साथ में अटैच रहें और बाद में इन्हें कॉमिंग करके स्ट्रेट किया जा सके या इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए हल्की सी खाल की भी परत के साथ इन्हें शरीर से उतारा जाता है। बालों को गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है, क्यों? ताकि ये भेड़ जिंदा रहे। अगर हम सर्दियों में इनके शरीर से सारी हेयर्स रिमूव कर लेंगे तो ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगी, क्योंकि इनके शरीर पे इतने मोटे मोटे बाल होते हैं, इसी वजह से ये खुद को गर्म रख पाती हैं। ठीक है, सो हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर विच डज नॉट हार्म इट्स सर्वाइवल। इन पर फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम गर्मी के सीजन में इनसे बाल हटाते हैं। नेक्स्ट इज स्कोरिंग। शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। हमने त्वचा हल्की सी त्वचा के साथ बालों को निकाल लिया था, अब हमने उन्हें बड़ी बड़ी टंकियों में डाला जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फिर अच्छी तरह से इन्हें धोया जाता है जिससे इनमें जो चिकनाई होती है, धूल मिट्टी होती है, गंदगी होती है, वो सारी अलग हो जाती है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े टैंक्स में इन्हें धोया जा रहा है। बहुत पहले तो लोग ये खुद करते थे लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ होता है तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। इसके बाद आती है छटाई की बारी, यानी कि विभिन्न विभिन्न गठन वाले बाल। दो अलग तरह के जीव हैं तो उनके बाल भी अलग होंगे, है ना, किसी के कर्ली हेयर्स हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, तो अब हम अलग अलग तरह के बालों को अलग अलग छांट देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वूमेन का इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये क्या कर रही है, सॉर्टिंग कर रही है, छांट रही है, अलग अलग तरह का वूल अलग अलग कर रही है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ बर्स। स्मॉल प्लफी फाइबर्स बर्स आर रिमूव्ड। फिर बालों को सुखाया जाता है लेकिन उससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए बर को हटाया जाता है। ये वही बर हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर इकट्ठे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका स्वेटर है तो आपने देखा होगा इस पर छोटे छोटे रोए निकल आते हैं, उन्हीं को बर कहते हैं। तो पहले हमने सॉर्ट कर लिया, अलग अलग तरह का वूल अलग अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से जो रोए थे उन्हें भी हटा दिया जाता है। नेक्स्ट इज डाइंग। फाइबर्स आर डाइड इन डिफरेंट कलर। देशों के विभिन्न रंगों में अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें जो भेड़ या बकरी से ऊन मिलती है वो जनरली किस रंग की होती है, या तो काली होगी या भूरी होगी या सफ़ेद होगी या तो ब्लैक होगी, ब्राउन होगी या वाइट होगी, ठीक है। लेकिन जो हम पहनना पसंद करते हैं वो हम कलरफुल पहनना पसंद करते हैं, इसलिए इन पर डाइंग होती है, यानी कि इन्हें रंगा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग। फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ब एंड रोल्ड इन टू यार्न। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखिए उन्हें सेपरेट कर लिया, उसके बाद हमने उनमें से बर को भी अलग कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया था उन पर कलर भी कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये हेयर वूल हैं, ये आपके हेयर्स हैं, तो हमने क्या किया, इन्हें स्ट्रेट किया, इन्हें सीधा किया, इन्हें सुलझाया, फिर हमने इन्हें कॉम्ब से सुलझाया, कंघी करके सुलझाया, और उसके बाद इन्हें लपेट कर इनसे धागा बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, यानी कि व्यावसायिक संकट जो फाइबर प्रोडक्शन में आते हैं। जब हम रेशों से ऊन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या संकट होते हैं, अब उन्हें देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये डिफरेंट है। सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स। छटाई करने वाले जो लोग हैं उनका काम जोखिम भरा होता है कि कई बार क्या हो जाता है, एक एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु होता है जिससे वो संक्रमित हो जाते हैं। विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज इज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज, जो एक घातक रक्त रोग का कारण बन जाता है। जो एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु है इसकी वजह से एक ब्लड डिजीज हो जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और उस डिजीज को कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज। तो वॉट इज सॉर्टर्स डिजीज, द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंथ्रेक्स। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ सिल्क। अकॉर्डिंग टू ओल्ड चाइनीज लेजेंड द एम्प्रेस शी शुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज।
ग्रोइंग इन देयर गार्डन। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार जो सम्राट थे हू आंगटी, उन्होंने अपनी सम्राज्ञी से कहा जो कि थी सी लू ची कि हमारे जो बगीचा है इसमें जो शहतूत के वृक्ष है उनकी पत्तियों को देखो, वो बीच में से डैमेज क्यों हो रही है, बीच में इनमें बड़े बड़े छेद क्यों हो रहे हैं, इनका कारण पता लगाओ। द एम्परर फाउंडेड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स एंड स्पिनिंग शाइनी कोकून्स। उसके बाद क्या देखा उन लोगों ने कि सफ़ेद कीड़े हैं जो शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर टी कप एंड अ थ्रेड सेपरेट। संयोग से क्या हुआ, इत्तेफाक हो गया कि जो रानी थी उसकी चाय के प्याले में गलती से एक कोकून गिर गया और उसके बाद उसमें से एक नाजुक सा धागे का गुच्छा अलग होने लगा। ठीक है, सो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना, लेटर ऑन ट्रैवलर इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज बाय सिल्क रूट। तो जो रेशम उद्योग है वो चीन में आरंभ हुआ था सैकड़ों साल पहले और इसे बहुत ही कड़े पहरेदारी में गुप्त तरीके से रखा जाता था। बाद में यात्रियों द्वारा और व्यापारियों द्वारा रेशम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और जिस रास्ते से ये यात्रा की जाती थी आज भी उसे सिल्क रूट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सिल्क फ्रॉम एनिमल। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर। सिल्क कैसा फाइबर है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है एंड कैन बी यूज्ड इन द टेक्सटाइल फाइबर। जो रेशम होता है, जो सिल्क होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कपड़े बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो रेशम का धागा होता है, आपको जान के हैरानी होगी लेकिन ये स्टील के तार जितना ही मजबूत होता है। The different types of silk are produced by different types of silk mooth on the basis of texture, smooth and shiny. जो रेशम के कीट हैं, जो सिल्क वॉर्म है, वो अनेक किस्म के होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। इस वजह से जो उनसे रेशम का धागा हमें मिलता है वो भी बनावट में काफ़ी अलग होता है, चिकनाई में, चमक में एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होता है। Few example are tesser silk, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। तो ये कुछ एग्जांपल हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो क्या है, मलबरी सिल्क मूथ, यानी कि शहतूत का रेशम कीट है जो कि कॉमन है, वो वाला सिल्क सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। नेक्स्ट इज सेरीकल्चर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम रेशम कीटों का पालन करते हैं, हम उन्हें पालते हैं ताकि हम सिल्क को प्राप्त कर सके, तो उस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है और भारत का एक प्राचीन व्यवसाय है रेशम के कीट का पालन ताकि हम सिल्क को प्राप्त कर सके, तो दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। नेक्स्ट इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अब हम देखेंगे कि सिल्क वॉर्म को कैसे पालते हैं। अ फीमेल सिल्क मूथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक दो मादा होती है रेशम कीट, वो एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, यानी कि सैकड़ों अंडे देती है। एग्स आर कैप्ड अंडर हाइजीन। अंडों को बड़ी सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागजों पर कलेक्ट करके, संग्रहित करके रखा जाता है और फिर जो लोग रेशम के कीट यानी कि सिल्क वॉर्म्स को पालना चाहते हैं उन्हें ये बेच दिया जाता है। प्रॉपर कंडीशन, सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पे इन्हें रखा जा रहा है वहाँ पे जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो सही है, जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो भी नमी वातावरण में सही है। हैच व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर फ्रेश लीव्स। अंडों को उचित तापमान पर रखा जाता है, इन्हें गर्म रखा जाता है और फिर इनमें से लार्वा निकल के आता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। तो मतलब इसे इस तरीके से गर्म रखा जाता है, टेम्परेचर को ऐसे मेंटेन करा जाता है कि ये तब अंडे हैच हो, तब ये इनमें से लार्वा निकल के आए जब शहतूत के पेड़ पर नई पत्तियाँ आ जाएँ। उसके बाद क्या होता है, द कैटरपिलर और यू कैन से द सिल्क वॉर्म ईट डेज एंड नाइट, आफ्टर 25 और 30 डेज दे स्टॉप ईटिंग। जो आपका कैटरपिलर होता है, जिसे आप सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, वो 25 से 30 दिनों तक खाते ही रहता है, खाते ही रहता है, खाते ही रहता है, उसके बाद वो खाना बंद करता है। ओके, तो लार्वा या जो कैटरपिलर है उसे रेशम कीट कहते हैं और ये दिन रात खाते रहते हैं और अपना आकार बढ़ाते हैं, लगभग 25 से 30 दिनों तक खाते रहते हैं और उसके बाद ये खाने बंद कर देते हैं। The caterpillar spin cocoon inside which silk moths develop. जो caterpillar होते हैं या जो रेशम के कीट होते हैं वो एक cocoon बनाते हैं और उसी के अंदर pupa विकसित होता है, develop करता है। Now see this diagram for better understanding. अब हम इस diagram को देखेंगे। Firstly क्या हुआ, एक female silk worm थी और उसने ढेर सारे egg दिए, ढेर सारे अंडे दिए। उसके बाद क्या हुआ, उन
अंडों को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखा गया, प्रॉपर ह्यूमिडिटी पे रखा गया और उन्हें इस तरीके से टेम्परेचर सप्लाई किया गया कि वो तब हैच हो, उनमें से तब लार्वा निकल के आए जब मलबरी ट्री यानी कि शहतूत के पेड़ पे नई पत्तियां आ जाएं। जब नई पत्तियां आती हैं और वो एग हैच करते हैं, उनमें से लार्वा निकलते हैं, फिर वो इन पत्तियों को खाते रहते हैं 25 से 30 दिनों तक खाते रहते हैं। एज यू कैन सी द लार्वा और कैटरपिलर फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, देखिए ये इन पत्तियों को खा रहे हैं, 25 से 30 दिनों तक वो खाते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो खा के अपना साइज बड़ा कर लेंगे और 30 दिनों के बाद लगभग वो रुक जाएंगे, अब वो और नहीं खाएंगे। अब ये क्या करते हैं, ये कोकून बना लेते हैं, ये कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म कोकून बना लेते हैं और इसके अंदर आपका प्यूपा डेवलप करता है धीरे धीरे। सी नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क ऑब्टेनिंग फ्रॉम कोकून। अब देखते हैं कि किस तरीके से सिल्क को पाया जाता है कोकून में से। द कोकून्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। रेशम प्राप्त करने के लिए हम कोकून को या तो धूप में रख देते हैं या फिर हम पानी में उबाल लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं भाप में इन्हें रख देते हैं, इससे रेशम के जो फाइबर्स होते हैं वो कोकून से अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स इन टू थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। जो कोकून है उसमें से रेशे निकालने के बाद उनसे जो धागे बनाने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क यानी कि रेशम की रीलिंग कहलाती है ये प्रोसेस, वो प्रोसेस जहाँ से कोकून में से हमने रेशे निकाले और उनके बाद उनमें से धागा बना लिया। यह विशेष मशीनों से की जाती है, इतने सारे कोकून में से फाइबर्स को निकालना फिर थ्रेड बनाना ये पॉसिबल नहीं है ना इंसानों के लिए, पहले इंसान करते थे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, इसलिए आज के टाइम में विशेष मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है फॉर रीलिंग द सिल्क। द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन आर वूवन इन टू डिजायर्ड क्लोथ्स लाइक सिल्क साड़ी। अब जो रेशम के धागे हमें मिल गए हैं बुनकर द्वारा, रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं जिस तरीके के हम पहनना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो नियरेस्ट देखा होगा एग्जाम्पल सिल्क का, वो आपने देखा होगा अपनी मम्मी की सिल्क की साड़ी। विद दिस वी कम्प्लीट दिस चैप्टर, थैंक्स फॉर लिसनिंग।